साइबर ब्लॉक में। ये मार्कशीट एंड लाइफ। Hey there beautiful people, how you all doing? I am Jakari and welcome back to the channel. आज मैं करीब 6 महीनों के बाद अपने कॉलेज जा रहा हूँ टू कलेक्ट माई क्लास 12 मार्कशीट एंड सम सर्टिफिकेट्स। मेरा कॉलेज का नाम है भोलानाथ कॉलेज एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन द लोअर असम रीजन, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो मैं उसका एक छोटा सा टूर देने की भी कोशिश करूँगा ताकि जो बच्चे आगे जाके एडमिशन लेना चाहते हैं वो पहले से ही देख पाए कि कैसा सिस्टम क्या कुछ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए सीधा कॉलेज में मिलते हैं। प्लान में एक छोटा सा चेंज है, हम सीधा मिलने वाले थे कॉलेज लेकिन मैं आ गया SMF मल्टी ब्लॉग्स के घर, तो हम दोनों एक साथ जाएंगे और भाईजान का 20 टच मैं चलाऊंगा। थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि नहीं भाई? एकदम। और भाईजान ने एक नया लैपटॉप लिया, उसका शायद अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आएगा, तो चैनल को जरूर चेकआउट करना है, ठीक है? चलो। वो बंदा कब से घूर रहा है मुझे, लगता है हमसे प्यार हो गया। अरे ये तो रोकने को कह रहा है, चलिए मिल लेते हैं। कौन है? हाँ हाल हाल मैं तो कॉलेज है सु मैं ब्लॉग बनाया सु हाँ ब्लॉग बनाया साइज़ ब्लॉग साइज़ का नहीं किया। अच्छा तुम्हारा घर कौन? बहुत सापोरो सापोरो थे कि बुरीदा का है तुम्हारा घर? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बाल लगे लॉग पे ठीक है। ये क्या था भाई? मतलब अगर सच में ये देखता है ब्लॉग्स को तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। या अल्लाह, नहीं अच्छा लगा। और मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन ये अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इस बंदे को नहीं भूलेंगे भाई। एंड लुक एट दैट, धुबरी मेडिकल कॉलेज बन रहा है और इससे शायद एक जल्दी वीडियो आने वाला है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आ सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग देखना चाहते हो धुबरी मेडिकल कॉलेज का एक ब्लॉग। भाई सीधा चलते हैं। और हम लगभग कॉलेज पहुंच ही गए, एक और मिनट लगेगा एंड देन वी विल बी फाइनली एंटरिंग दी DN कॉलेज धुबरी। वेटिंग थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, हमने आने में देर कर दी। यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, बहुत देर हो गया, पता नहीं अपना टर्न कब आएगा। 1 hour later। तो जो काम करने ऐसे वो तो हो गया, अभी टाइम है आप लोगों को पूरा कॉलेज दिखाने के लिए और शुरू करेंगे गेट से। चलिए आप लोगों को मिलाते हैं जो इस कॉलेज के फाउंडर थे, लेट भोलानाथ चौधरी जी। सो दिस इज द मैन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉलेज, तो देख लीजिए थोड़ा करीब से। और अभी मैं आ पहुंचा हूँ कॉलेज का ऑडिटोरियम हॉल। दिस इज आवर ऑडिटोरियम हॉल ऑफ DN कॉलेज। एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब सारे फंक्शंस होते हैं, ये है इस एरिया में सारे फंक्शंस होते हैं, तब पैर रखने की भी जगह नहीं होता। हम तो हर एक इवेंट बाहर से ही देखे क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है आपके दोस्त को। तो यही है, जो सारे एडमिशन लेंगे उनको आगे देखने को मिलेगा और आगे जाके शायद कुछ प्लेटिनम जुबली का छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। तो लास्ट ईयर 2020 में तो कोविड ने सारा प्लान को रूइन कर दिया था। कॉलेज के बाद बहुत ज़्यादा फन था, बहुत ही मैसिव इवेंट होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, क्या कर सकते हैं अभी। तो हाँ, यही था ऑडिटोरियम। आगे चलते आपको साइंस के कुछ डिपार्टमेंट दिखाएंगे और आर्ट्स के कुछ डिपार्टमेंट दिखाएंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एंड करेंगे, ठीक है? चलो। धूप आज थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ है और कोई बात नहीं, अगर आपका भाई काला भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ही रहूँगा, बदल थोड़ी जाऊँगा, है कि नहीं? और इस लाइन में ये पहला है क्लास 11 12 के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल रूम, और उसके साइड में है डिग्री का फिजिक्स प्रैक्टिकल रूम और एक जूलॉजी लैब भी है। तो यही है, इस लाइन में ज़्यादा डीप नहीं जाते। और इस साइड में सारे बायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे मतलब दो ही है,
वो है बोटनी और जूलॉजी। ये है बोटनी का प्रैक्टिकल रूम डिग्री, और उसके साइड में एचएस के लिए, और आगे सारे डिपार्टमेंट्स है जहाँ सारे टीचर्स रहते हैं अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं जाते, ये इसी लाइन में है और इसी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये है बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, जब सारे मौसम रहता है सब ठीक रहता है, स्टूडेंट्स आके खेलते हैं। कॉलेज इको फ्रेंडली और स्टूडेंट फ्रेंडली दोनों है। अभी मैं पॉन्ड के किनारे हूँ, आगे जा रहा हूँ जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट और कॉलेज का प्लेग्राउंड है, तो वो आप लोगों को भी दिखाई देता हूँ। और जो आप वो देख रहे हैं वो है कॉलेज का प्लेग्राउंड। यहाँ से अभी गेट बंद है इसीलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा एरिया है, और इस पेड़ के पीछे एक गैलरी भी है जो अभी विजिबल नहीं हो रहा है। और वहाँ पे देखिए नेट्स दिखाई दे रहा है, क्रिकेट नेट्स, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। ये एकेडमी के नाम का ये कोचिंग सेंटर है, और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। और प्लेग्राउंड के ठीक साइड में एक नया हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, और यहाँ पे है बास्केटबॉल कोर्ट, जो अभी कोर्ट जैसा दिख तो नहीं रहा है क्योंकि इसको एज ए स्टोर कोर्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये शायद रेनोवेट होगा और अच्छे से बनाएंगे इसको, इसीलिए इसका प्रोसेस भी चल रहा है। ये जगह बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आप यहाँ पे आके ज़रूर चिल कर सकते हैं, जो कि कॉलेज होता है थोड़े टाइम के लिए क्लास करना और फिर चिल करना। तो एक बात बताना मैं भूल ही गया, कॉलेज का एक प्रॉपर जिमनेशियम भी है, और वो है मेरे पीछे, जो कि अभी बंद है इसीलिए मैं वहाँ पे जाने का कष्ट नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे आप। वो जो आप देख रहे हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। ये जो ब्लॉक है ये पूरा आर्ट्स डिपार्टमेंट से भरा हुआ है, मतलब सारे आर्ट्स डिपार्टमेंट आपको इसी एक लाइन में मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ है, फिर उस साइड में है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, और सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है एजुकेशन फिलॉसफी सारे इकोनॉमिक्स इस साइड में है। ये है कॉलेज का बड़ा सा ब्यूटीफुल गार्डन, और इसके ठीक ऑपोजिट है दी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ पे प्रिंसिपल सर का रूम और सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स है। और वो मेरे पीछे जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप डिपार्टमेंट ऑफ दिस कॉलेज। और यहाँ का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का डिमांड कुछ अलग ही है। और एक सर है शाहजहान सर, बहुत ही फनी है, वो कैरेक्टर बहुत पसंद आता है, और मैथ्स अगर कोई इंटरेस्टिंग सा आदमी नहीं पढ़ाता हो तो वो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जो सारे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सारे डिपार्टमेंट ही पूरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मैथ्स मेन सब्जेक्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लासेज अटेंड किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिस इज़ द कॉलेज कैंटीन, चलिए अंदर चल के देखते हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ पे चिल करते थे और कैसे। ये है हमारा छोटा सा पार्क एरिया, और ऐसे चिल करेंगे जब आपका क्लास नहीं होगा, और क्लास 11 एंड 12 आप ज़्यादातर टाइम यहीं पे दिखोगे। वन सेकेंड लेटर। तो आज का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, और वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया। मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को एक छोटा मोटा टूर दे सकूं, तो शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, 1K स्पेशल वीडियो जल्दी आने वाला है, आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को और लंबा नहीं करते, चलिए चलते, ठीक है, बाय, सी यू सून।